भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं ने लकड़ी जलाकर रोटियां बनाई और बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दामों पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर की महंगाई मार रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। करीब 150 रुपए महंगे हुए रसोई गैस पर जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चुनाव के बाद 150 रुपए रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर थाने में एनसीपी कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लकड़ी जलाकर रोटियां भी बनाई। महिलाओं ने कहा कि सरकार पूरे देश में महंगाई कम करने के बजाय लगातार महंगाई बढ़ाते जा रही है। सरकार के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं का काफी गुस्सा देखने को मिला। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।